वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी साल 2021 के आखिरी की नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि कृषि विभाग की तरफ से साल 2021 की आखिरी बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है, जहाँ पे आपको 600 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलने वाली हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और 18 तारीख से यानी कि 18 दिसंबर 2021 से फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आगे इस वीडियो में आपको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। आवेदन करने की डेट आपको 10 जनवरी 2022 की मिलेगी, यानी कि आपके पास काफ़ी टाइम है आवेदन करने के लिए, तो आप लोग केयरफुली नोटिफिकेशन को रीड करें और आवेदन करें। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2021 के आखिरी में एक अच्छे से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का, एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो पहली और सबसे मेन सबसे बड़ी खास बात यह कि आपको कृषि विभाग की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि साल 2021 की आखिरी की बड़ी भर्ती है। इसके अंदर आपको टोटल नंबर वैकेंसी 640 से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जो कि आगे नोटिफिकेशन में क्लियर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप लोग केवल कक्षा 10वीं पास हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। कोई भी एडिशनल में क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे और महिला और पुरुष यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपको वेतन क्या कितना दिया जाएगा स्टार्टिंग का, तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि 21,700 रुपए प्लस आपको अदर अलावेंस यानी कि जो भत्ते होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से वो सारे के सारे पे किए जाएंगे यानी कि आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा फॉर्म फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर और काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है तो आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो में आखिरी तक बने रहें, बिना किसी स्किप किए आगे बढ़ाए। तो चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। टोटल आपको यहाँ पे 35 से 38 पेजों का पीडीएफ मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। आपको यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है 18/12/2021 यानी कि 18 दिसंबर को जारी किया गया है और 18 दिसंबर के दिन से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलेगी T1 के अंदर और यहाँ पे आपको Level 3 में 7th CPC के अंतर्गत वेतन वगैरह दिया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो आपके ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हैं वो 18 दिसंबर 2021 से हैं और आवेदन करने की आखिरी डेट आपको 10 जनवरी 2022 के रात के 11:55 तक का देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे देखें डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे आपका 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 के बीच में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि सब्जेक्ट टू चेंज यानी कि जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी डेट यहाँ पे चेंज की जा सकती है। इसके बाद वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 641 है, जहाँ पे जर्नल के लिए 286, EWS के लिए 61, 61
और SC के लिए 93, ST के लिए 68 यानी कि 68, OBC में NCL वालों के लिए 133, एक्स सर्विसमैन में 8 और यहाँ पे PWD वालों के लिए 6 और ऐसे ही यहाँ पे दिव्यांगज के लिए यहाँ पे रखा गया कुछ पोस्टें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपका 641 यानी कि 641 पोस्टें मिलेंगी। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, SNTL क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है तो क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन पास, इट मींस कि आपका कक्षा 10वीं पास होना कंपलसरी है, आपको यहाँ पे 10वीं पास होना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में यहाँ पे बताया गया कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा। आपकी उम्र के बारे में जानकारी है जो कि कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल प्लस यहाँ पे आपको SC ST के अंदर 5, OBC के अंदर 3 और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 10 सालों का उम्र में छूट भी दिया जाएगा। यहां से नीचे आएंगे, आपको और भी जानकारी दी गई है। यहां पे नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है लेकिन आपको मैं यहां पे जितनी भी मेंस इन्फॉर्मेशन है केवल वही प्रोवाइड कराने वाला हूं। अप्लीकेशन फीस के बारे में यहां पे डिस्कस किया गया है, आप लोग कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखिए, आपका 0.25 यानी कि 1/4 रॉन्ग आंसर पर पेनल्टी है यानी कि इसके अंदर माइनस मार्किंग भी है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और चार ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में, हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया जो कि आगे मैं पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए, नोटिफिकेशन में हमने बेसिक डिटेल देख ली है, टोटल यहां पे 8 से 10 पेजों के अंदर ही कवर हो जाता है। बाकी डिटेल के लिए आप लोग इसको जरूर डाउनलोड करें, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया गया है। अभी के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे फॉर्म उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके आप लोग इजीली इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख पाएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू दी कैंडिडेट यानी कि कुछ जरूरी यहाँ पे बातें आपको बताई गई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखें इम्पोर्टेंट डेट है 18/12/2021 यानी कि 18 दिसंबर से लेकर 10/1/2022 यानी कि 10 जनवरी 2022 के रात के 11:55 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए निर्देश हैं, आपको इनको रीड करना है। कैसे आवेदन करना इसके बारे में जानकारी है। चरण एक आपका स्टेप फर्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा जिसको आप लोग हिंदी में पंजीकरण बोल सकते हैं। स्टेप टू फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे और भी कई स्टेप मिलेंगे जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ से नीचे आएंगे, आवेदन करने का फर्स्ट यहाँ पे देखे, यहाँ पे आपको आई एग्री दिखेगा, इस पे चेक को आपको टिक करना है। प्रोसीड टू रजिस्टर की बटन पे क्लिक करना है। अंदर वाले पेज पे आपको 100% लोडिंग का समय लेगा, इसको लोड हो जाने देना है। इस वाले पेज को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सिंपली आपके सामने इम्पोर्टेंट नोट करके ऑप्शन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं वो सिलेक्ट करना होगा। तो आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक करेंगे, आपको नॉर्मली एक ही पोस्ट दिखेगी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टेक्नीशियन T1 का। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर ली। इसके बाद कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे यानी कि खुद का नाम, मोबाइल नंबर डालेंगे और इस मोबाइल नंबर की पुष्टि करेंगे यानी कि कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, इसको भी कंफर्म करेंगे और ये जो कैप्चा है आपको 7 कैरेक्टर का, इसके अंदर फिल करेंगे और सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। इतना हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद आएगा फॉर्म फिलअप का, वो वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे, अभी के लिए आपको मैंने नॉर्मल जानकारी दे दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कृषि विभाग की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जिसके आवेदन करने की डेट आपको 10 जनवरी 2022 तक की मिलने वाली है। पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पूरा का पूरा ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जो कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी दिखा दिया है। आगे हम बात करेंगे कैसे आप लोग उन लिंक्स तक पहुँच सकते हैं। केवल अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग इजिली आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपको टेक्नीशियन T1 की वैकेंसी यानी कि पोस्टें मिलेंगी जहां पे आपको टोटल नंबर वैकेंसी 640 यानी कि 640 से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वेतन की बात करें तो आपको 21,700 स्टार्टिंग का पे किया जाएगा। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको बता दें ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आप आएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। आपको आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। लिंक working.org की वेबसाइट पे जाने पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 641 यानी कि 641 पोस्टें मिलेंगी, जहां पे आपको टेक्नीशियन की पोस्टें मिलेंगी। 18 दिसंबर 2021 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद आपकी एज है जो कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उम्र में छूट भी दिया जाएगा। अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसके बाद है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट। आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। दिन बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही रहेगा। बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे, आपको वेतन मिलेगा जो कि 21,700 रुपये स्टार्टिंग का होने वाला है। देन यहाँ पे एजुकेशन है, अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद कैसे आपको आवेदन करना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर रेडी करने के बारे में। आपका जो सिलेक्शन है, चयन है, वो एग्जाम, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाना है। इसके बाद इंपोर्टेंट लिंक्स के ऑप्शन है, जहाँ पे आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आपको आवेदन करने की वीडियो उतना जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं जल्दी अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।